से आघाडीचा उसाच अवताच। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मुझे बचपन की याद आ रही है। जी बिल्कुल, हमें भी जमा चाहूं का ये सबक अक्सर जाड़े बच्चों को हंसते खेलते हुए समझाना है, ताकि ना सिर्फ उनकी यहाँ पर जमानी तरक्की हो बल्कि उनकी यहाँ पर मजमूई तरक्की भी हो। तो मित्रांनो, आपल्याला चौथी वर्गाचा हा धडा अक्षर जाळे विद्यार्थ्यांना असंच हडत हसत खेळ शिकवायचा आहे की त्यांचा फक्त भाषिक विकास होणार नाही तर त्यांचा सर्वांगीण विकासही हो। आणि एनईपी 2020 पण आपल्याला असंच म्हणते की विद्यार्थ्यांना हसत खेळ आपल्याला शिकवायचा आहे। तर अक्षर जाळे ह्या धड्यातील आपल्याला विद्यार्थ्यांना जाळेतून जे फसलेले अक्षर आहेत ना ते ओळखायला शिकवायचं आहे। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर बच्चों को जो हरफों का जाल है उसमें से उन्हें जो मराठी के अक्षर हैं वो पहचानना उन्हें हमें यहाँ पर सिखाना है। बच्चों को सिर्फ अक्षर पहचानने नहीं आएंगे बल्कि यहाँ पर उन्हें लिखने भी आएंगे। विद्यार्थ्यांना अक्षर ओळखायला ही येतील आणि लिहायला ही येतील। पर आपले जे विद्यार्थी आहेत ना त्यांच्यामध्ये एक आत्मविश्वासाची भावना निर्माण होईल की आता आम्हाला मराठी अक्षरे लिहिता आली। दोस्तों, बच्चों में खुदातमारी पहले करनी है कि अब उन्हें मराठी की जो प्रूफ है वो भी अच्छे से यहाँ पर लिखने के लिए आ गया है। तो चलिए हंसते खेलते हुए इस लेसन को हम यहाँ पर इस सबक अक्षर जाड़े हरफों का जाल शुरू करते हैं। तो चला असच हसत खेळत बघूया हा मराठीचा धडा अक्षर जाड़े।